सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के लिए दी गई मियाद के आखिरी दिन यानी 2 जून को अखिलेश यादव और मायावती ने खुद को आवंटित बंगले छोड़ दिए गए। इससे पहले राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव सरकारी आवास खाली कर चुके हैं। सिर्फ एनडी तिवारी का बंगला अभी खाली नहीं हुआ है। एनडी का कई नई दिल्ली में उपचार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए 1 जून को ही वीवीआईपी गेस्ट हाउस में कक्ष आवंटित कर दिया गया था। इसके साथ ही सांसद संजय सेठ और सुरेंद्र नागर के नाम भी आवास बुक कराया गया। शनिवार दोपहर अखिलेश, पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी आवास से बाहर निकले। लगभग 7 साल तक इस बंगले में रहे अखिलेश और डिंपल दोनों ही भावुक लग रहे थे। मीडिया कर्मियों को उन्होंने फ़ोटो ना खींचने की हिदायत भी दी थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ वह वीवीआईपी गेस्ट हाउस के कक्ष संख्या 209 में आ गए। यहां उनके लिए 4 जून तक के लिए कक्ष आवंटित किया गया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी 13A मॉल एवेन्यू स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है। इससे पहले उन्होंने बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को पूरा आवास दिखाया। अपने आवास सहित पूरे परिसर को उन्होंने श्री काशी राम यादगार विश्राम स्थल का रूप दे दिया है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि विश्राम स्थल के कुछ ही कमरों को उन्होंने अपना आवास बनाया था, लेकिन उसे भी अब छोड़ दिया है। राज्य संपत्ति अधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी को बुलाकर आवास की चाबी सौंपी और बसपा महासचिव सतीश मिश्र के साथ कार में बैठकर सामने के ही 9 मॉल एवेन्यू स्थित अपने निजी आवास पर चली गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1 जून को ही सरकारी बंगला खाली कर दिया था और वीवीआईपी गेस्ट हाउस के कमरा संख्या 102 में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने वहां रात्रि विश्राम किया और शनिवार को ही दिल्ली रवाना हो गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 4 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पहले ही खाली कर चुके हैं। वह अब गोमती नगर के विपुल खंड स्थित अपने निजी आवास में रहेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह भी 2 मॉल एवेन्यू स्थित सरकारी आवास खाली कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी भी 1 मॉल एवेन्यू स्थित सरकारी बंगला खाली कर चुके हैं। अलबत्ता दिल्ली में अस्पताल में भर्ती एनडी तिवारी का बंगला अभी खाली नहीं हुआ है। वहां उनके नाम पर बने एक ट्रस्ट का बोर्ड लगा दिया गया है। अंसल एपीआई टाउनशिप में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नए मकान में शनिवार से ही घरेलू सामान पहुंचने लगा है। यहां पर जिन विला में अखिलेश यादव को परिवार सहित रहना है उसमें किचन के सामान के साथ ही बेड व अलमारी भी डाला व डीसीएम से पहुंचाई गई है। अंसल एपीआई के सेक्टर C2 के विला नंबर 90 व 91 को जोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर व ऑफिस बनाया जा रहा है। यहां पर इंटीरियर डिज़ाइनर से लेकर ठेकेदार व इंजीनियर सहित पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी अपनी देखरेख में पूरा काम करा रहे हैं। शनिवार को विला नंबर 91 में किचन के लिए ज़रूरी सामान सहित बेड व बच्चों के द्वारा स्टीकर लगाए गए, अलमारी भी पहुँचाई गई। साथ ही इससे लगे विला नंबर 90 की खिड़कियों में शीशा व चौखट लगाकर इसे तैयार किया जा रहा था। जिस विला में गाड़ियां खड़ी करनी की पार्किंग समेत लॉन में घास व फाइक्स के पौधे लगाए गए हैं। विला के बाहर दिन भर फोटो खींचने के लिए स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी लगा रहा।